नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 29 जुलाई की सुबह 11 बजे से ज्यादा दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से, माँ भवानी और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बड़े ही महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। जिया दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय शुक्रवार का दिन होगा और ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी, माँ भवानी और माँ सरस्वती के सभी महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन होते हैं और यह समय इनके आशीर्वाद से आपके जीवन काल में कई ऐसी घटनाएं होने वाली है जिनसे आपके जीवन में बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर से जुड़े सभी प्रकार की झंझट जो भी है, पेशियों को लेकर आप फिर धन को लेकर, वे सभी यश में समाप्त होने वाली है और आपके आर्थिक स्थिति में यश में आपको सुधार देखने को मिलेंगे। माँ भवानी के आशीर्वाद से यश में आपके जीवन काल से सभी प्रकार के संकटों, दुश्मनों का नाश होगा। यश में आपके जो भी दुश्मन हैं आपसे रास्ते से हटेंगे और आने वाला रास्ता आपके लिए उज्जवल रहने वाले हैं। जय दोस्तों, और इसके साथ ही यश मंत्राल में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपके मन मस्तिष्क में नए विचार आएंगे, नए आइडिया आने से आपको यश में कई प्रकार के क्षेत्रों में लाभ भी देखने को मिलेंगे। जय दोस्तों, यश में आपने मन में आने वाले सुझाव को अगर फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका समय बहुत ही लाभ की ओर अग्रसर रहेंगे। आपको बता दें कि यश में इन देवियों के आशीर्वाद से आपका समय शुक्रवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यश मंत्राल में आपको एक कार्य को करने से भी बचने होंगे क्योंकि दोस्तों शुक्रवार के दिन में यह कार्य आपके जीवन में विघ्न बाधाएं डाल सकती है, तो इन्हें करने से बचने होंगे। तो दोस्तों इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी वक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का और माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में कोई भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम संपन्न हो सकता है। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में भी आपकी विशेष यशमय रुचि रहेगी तथा आपका निस्वार्थ योगदान समाज में भी आपका मान सम्मान और फिर इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। दोस्तों यश में आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। अपनी फिजूल खर्ची पर आपको इसमें अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों किसी खास व्यक्ति के द्वारा ही आपको कुछ नुकसान यश में हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में बेहतर होगा कि भारी संपर्कों से आपको दूरी रखना चाहिए। दोस्तों परिस्थिति को क्रोध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं तो आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि किसी के भी साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों यश में आप अपने विचारों पर अड़े रहने की वजह से किसी के साथ भी आपका एक मत नहीं होगा, इसलिए खुद ही काम को पूरा करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी हो सकती है, यश में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राशि के लिए जो समय होंगे, जो ग्रह स्थिति होंगे, यश में बहुत ही उत्तम समय होगा, बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति होगी। दोस्तों यश में बता दें कि आपकी योग्यता और फिर क्षमता खुलकर लोगों के सामने जाहिर होने वाली है। दोस्तों विद्यार्थियों को करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान भी यश में मिलेगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यश में हासिल करने वाले हैं। दोस्तों परंतु आलस व फिर ज्यादा मौज मस्ती के समय को यश में व्यस्त ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे क्योंकि दोस्तों यश में आप जो है अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों यश में को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें। दोस्तों अगर किसी वाहन या फिर संपत्ति की खरीदने की ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यश में योजना को स्थगित रखें क्योंकि दोस्तों इनमें आपको लाभ की स्थिति नहीं होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए आपको अधिक वक्त यश में लग सकता है।
परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने की वजह से भी कुछ कामों में देरी हो सकती है। जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता होगी, जिसे दोस्तों आपके लिए मन चाहे रिजल्ट पाना आसान होगा। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यह समय इमोशनल होने के बजाय चतुरायु या फिर विवेक से आपको काम लेना चाहिए। दोस्तों विवेक से लिया हुआ काम आपके पक्ष में होगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार भी सुनने से आपका मन इस समय प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बंटवारे संबंधी कोई भी कार्य इस समय मध्यस्थता से हल हो सकती है। दोस्तों इसमें आपको प्रयास करना चाहिए कि अभी इनका जो है बंटवारा ना हो। तो दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि रुपये पैसे के मामले में भी किसी पर भरोसा ना करें। आपकी कोई योजना इसमें गलत हो सकती है, इसलिए दोस्तों यश में उस पर जो है पुनर्विचार आपको करना चाहिए। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए यश में आपके स्वास्थ्य और आपके कार्यों में हानि का कारण बन सकता है, इसलिए दोस्तों यश में आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपको कई सारी बातों की चिंता का अनुभव होगा। दोस्तों अधिक विचार करके आप केवल चिंता बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यदि समस्या का समाधान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किसी की मदद लेना यश में आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भावनाओं को काबू में रखकर परिस्थिति का हल ढूंढने की आप कोशिश करें और यश में आप अच्छी हल भी ढूंढ पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में जनसंपर्कों का दायरा अधिक विस्तृत होगा, परंतु अभी भी व्यापारिक गतिविधियों का गंभीरता व फिर बारीकी से मूल्यांकन करना आपके लिए इसमें जरूरी होगा। दोस्तों सीनियर लोगों के साथ संबंध खराब न करें तथा बदलते परिवेश में अभी लाभ की उतनी उम्मीद न रखें जितनी आप रख रहे हैं। दोस्तों यश में आपके लिए बेहतर होंगे कि आप कार्यों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में स्थितियां यश में बेहतर भी रहेंगी। कुछ हल्की फुल्की परेशानियां तो आएंगी, पर दोस्तों समय रहते उनका हल भी निकलेगा। नई प्रॉपर्टी और नए लोगों से व्यवहार करते समय आपको यश में सचेत रहना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन सुख शांति के लिहाज से अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, इन्हें अपने काम पर हावी न होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों इसमें शारीरिक कमजोरी और फिर जोड़ों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा, तो दोस्तों इन पर आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में कुछ सुस्ती और आलस भी आपके ऊपर हावी रहेगी। यश में आपको वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, चोट आदि लगने की संभावना भी यश में बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में बुरी आदतों तथा बुरी संगत से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए।